गृहमंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। स्पीकर के चुनाव पर इस बैठक में हो सकती है चर्चा। शाह और नड्डा का संसद सत्र को लेकर भी मंथन होगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक को लेकर, जहां नए स्पीकर के चुनाव के मुद्दे पर चर्चा मुमकिन है इस मीटिंग में। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, क्या सहमति बनती हुई नजर आ रही है? बीजेपी की क्या कोशिशें हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर, और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों का रुख क्या है? देखिए समीर, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने बीजेपी को ये कह दिया है कि जो बीजेपी तय करेगी उसके अनुसार ही वो लोग काम करेंगे, और स्पीकर को लेकर उनको कोई भी अपना सुझाव नहीं है। अच्छा। और जहां तक बात गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुलाकात की है, तो निश्चित तौर पे देखिए फिलहाल जो स्थिति है एनडीए के घटक दलों के द्वारा, जब एक बार उनको अनुशंसा मिल चुका है कि आप जिसको तय करेंगे उसको हम बनाएंगे, तो बीजेपी को तय करना है कि स्पीकर अगला कौन हो। और परसों रात में लोकसभा स्पीकर के साथ जाकर दोनों ने बैठक भी किया था ओम बिरला के यहाँ, उसके बाद अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो अगला दो से तीन दिन है उसमें ये निर्णय होना है कि कौन स्पीकर होगा, क्योंकि 26 तारीख को चुनाव है, उसके एक दिन पहले नाम आ जाना चाहिए, 25 तक नाम आना चाहिए, 24 और 25 तारीख को सांसदों का शपथ होना है, उससे पहले ये नाम आ जाना चाहिए, ऐसी संभावना है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज ये जो बैठक हो रही है उसमें इस पर चर्चा हो रही है। और इसके बाद साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि चूंकि संगठन में भी बदलाव होने की संभावना है, खुद जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने संकेत दिए थे आज से 7 या 8 दिन पहले कि पार्टी में भी बदलाव होगा, क्योंकि बीजेपी में एक रूल है 1 पर्सन 1 पोस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी का कौन कार्यकारी अध्यक्ष होगा, ये तमाम विषय हैं जिन पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।